स्वागत है। तो अब मेरा सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब आप देख सकते हो, आपने पहले मेरे पहले पार्ट में देखा होगा कहाँ तक मैंने आपको पहला पार्ट दिखाया था। तो अभी दूसरा पार्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज़्यादा प्यार देना। चलो यहाँ से चलते हैं दूसरे पार्ट। ये देख सकते हो आप वेला लागे, ये वेला लागे आ रहे हैं बाउंड्री की ओर श्रीलंका के। ये वेला लागे आ गए, ये देखो। और पदी राणा बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत ही लंबा रन अभी इनका। शतक हो चुका है मकरम का, आप देख सकते हो। तीसरा शतक साउथ अफ्रीका की ओर से, तीन शतक लग चुके हैं इस मैच में। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे, ये देखिए। और थोड़ा मौसम भी धीरे धीरे काला काला पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, बारिश आने की भी संभावना हो सकती है भाई। रोशनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे मौसम भी काला पड़ रहा है उधर से, आप देख सकते हो मौसम काला हो रहा है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। और 376 रन बना दिए हैं, मुझे लग रहा है 400 रन पार कर जाएगी आज का ये मैच, बहुत ही रोचक। तो देखते हैं, करीब 400 रन मुझे लग रहा है बन जाएंगे। और अब देखते हैं, ओ ये सिंगल ले लिया है, दो दो दो, और दो रन लेने में आराम से दो रन ले लिए, बहुत ही अच्छी रनिंग थी। बिटवीन लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, पूरा धीरे धीरे शाम हो गई, पूरा स्टेडियम भर गया है, आप देख सकते हो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, नीचे से लेके आप जहाँ तक नज़र जा रही है उधर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। जैसा जैसा अंधेरा हो रहा है तैसे तैसे बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू दिख रहा है ग्राउंड का। ये देख सकते हो आप गौतम गंभीर स्टैंड है, और उधर देख सकते हो आप अरुण जेटली स्टेडियम है, और उधर देख सकते हो आप विराट कोहली पवेलियन। ये तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, एक बार मैं पहले भी आ चुका था इसमें, मगर आज मैं फिर आया हुआ हूँ। और धीरे धीरे जब अंधेरा हो रहा है तो रोशनी, ये लाइट ऑन कर दी गई है, आप देख सकते हो ये लाइट है, एक लाइट वो है, एक लाइट इधर है। तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह हो गई होगी यही, जैसे अंधेरा हो रहा है यहाँ लाइट और अच्छी पड़ती रहेगी। और आप इधर देख सकते हो पूरे स्टेडियम भरा हुआ है। अभी लास्ट ओवर है, अच्छी बॉलिंग, प्यारा नज़ारा लग रहा है, ये सब इसकी रोशनी है। और अभी तो लाइटें पूरी खुली नहीं है, देखो आप लाइट अभी आधी आधी खुली है, पूरी खुली नहीं है, तब इतना इतना उजाला हो रखा है।
ये लास्ट बॉल है, एक इनिंग खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो दूसरी इनिंग शुरू हो गई है और परेरा खेलने के लिए आ चुके हैं रवाड़ा के हाथ में बॉल, और दक्षिण अफ्रीका आ चुके हैं फील्डिंग करने के लिए। आप देख सकते हो क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप नीचे देख सकते हो पूरा खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम यहाँ भी, और इधर साइड भी भरा ही हुआ है, ऊपर भी है, लोग अभी सब बाहर गए हुए हैं। तो आप इधर साइड देख सकते हैं, आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा यहाँ पे लाइव देखने का, क्योंकि हमें तो टीवी में देखा है, आज लाइव में नहीं देख लिया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो इधर भी आप देख सकते हो पूरे ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। पहली बॉल रवाड़ा की, देख सकते हो अब मुझे तो लग नहीं रहा कि श्रीलंका जीत पाएगी, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा है, लक्ष्य दे दिया इन्होंने 400 कुछ का। पहला विकेट चला गया है, आप देख सकते हो पहली बॉल में विकेट ले गया है और श्रीलंका दहती हुई, श्रीलंका की टीम दहती हुई, आप देख सकते हो आप बोल्ड हो गया और 0 रन पे पवेलियन चला गया भाई। इनके फर्स्ट राउंड पे आ चुका कुशल मेंडिस, तो देखते हैं क्या कर पाएंगे। ये भी लग तो नहीं रहा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बॉलिंग तगड़ी है साउथ अफ्रीका की। फाइनल मानो 51 में ये भी था, देखते हैं लेते हैं कि नहीं लेते। ले लिया है, शायद रिव्यू ले लिया है, मगर ले लिया है, रिव्यू ले लिया है, देखते हैं रिव्यू में क्या होता है। आपको रिव्यू दिखाता हूँ, आउट है, आउट है, आउट, ये तो आउट लग रहा है भाई, आउट लग रहा है भाई, ये तो पीछे क्या आउटसाइड लेग नहीं है, बैट पे नहीं लगी है। तो दोस्तों नॉट आउट रह गया, थोड़ा हाइट के कारण बच गया, नहीं तो आउट हो जाता, तो नॉट आउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे श्रीलंका ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, कुशल मेंडिस चले गए आपके 57 रन पे। कुशल मेंडिस ने वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखा दी है, और साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा मुश्किल में दिखती हुई। ओ यहाँ पे कैच छूट गया है, बहुत ही सिंपल कैच था और छूट गया है। ओ
आपके जो छोड़ा गया था आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे, ये लगाया यहाँ पे गलती हो गई भाई, एक विकेट उठ चला जाता, मगर चलो ठीक है, नहीं तो मजे फोन चलाता फिर। इसने बहुत ही मजे दे दिए यहाँ पे दर्शकों को, काफी अच्छे लंबे लंबे हिट मार रहे हो, उनको पता है कि ये तो आ रहे तो पार होना ही है। वापस आते हुए बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे, श्रीलंका की तरफ से बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे, मगर क्या करें आउट हो गए, तो अब तो बहुत ही मुश्किल है श्रीलंका का, यही थे जो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, अबे लाइन लगी हुई जाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।